अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार बंद का असर बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ खास नहीं दिखा। सुबह 10 बजे तक कहीं से भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। मुजफ्फरपुर में उपद्रवियों पर लगाम कसने को भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। जिले के दो अनुमंडल और रेलवे स्टेशनों पर निषेधाज्ञा लागू करने के बाद इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक लगातार जिले में स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में छात्र युवा संगठन आयसा इनॉस, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने शनिवार को बिहार बंद की घोषणा की है। बंद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध के दावे किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले की सड़कों पर शांति बनी रहे, किसी भी तरह की अप्रिय वारदात को रोकने के लिए सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी निर्देश के बाद पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर है, सभी जगह शांति है, किसी तरीके का कोई पब्लिक प्रॉपर्टी या किसी तरीके का कोई एजिटेशन नज़र नहीं आया है। पुलिस फोर्सेस सभी जगह पर मौजूद है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस के लिए जहां जहां पे पुलिस फोर्सेस हैं सब, इसके अलावा जो 10 QRT टीमें बनाई गई हैं जो कि हर जगह पर राउंड भी ले रही हैं, और हम लोगों की कोशिश यही है कि किसी तरीके का कोई अनसीन इवेंट नहीं क्रिएट होने पाए। रेलवे स्टेशन पे पुलिस फोर्सेस को भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, लगातार रिपोर्ट ली जा रही है, और अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है तो साफ निर्देश दिया गया है अरेस्टिंग के अलावा उन लोगों से सख्ती से निपटने का। कल भी जो है अरेस्टिंग की गई है और आज भी जो है उन्हीं जो लोगों को अरेस्ट किया गया उनके बयान पर को लेकर के आगे के भी हॉस्टल्स और अन्य जगहों पर लगातार रेड जारी है। थैंक यू। अभी तक के जो है हम लोगों ने कल 12 अरेस्टिंग की थी और उनके बाद में पूछताछ करने के बाद में उसके आगे और अरेस्टिंग के लिए चल रहा है। अलग से टीमें बनाई गई हैं जिन लोगों जो जिस तरीके का नेट पे या फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जिन लोगों ने कॉल किया था और आकर के यहाँ पर आगजनी करने की कोशिश की थी उन लोगों को चिन्हित किया गया है। उनके व्हाट्सएप के एडमिन ग्रुप्स को भी देखा गया है और सारी चीज निकाल करके जो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद में उन लोगों पे रेड है वो रात में भी की गई है और अभी फिर से शुरू है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से सभी ट्रेनों का परिचालन बंद है, यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर शहर में सुबह 10 बजे तक सन्नाटा छाया रहा। शहर की सभी सड़कों पर आवागमन सामान्य है। अग्निपथ को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण ट्रेनों को रद्द किए जाने की स्थिति में यहां रुके यात्रियों को गंदगी के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि जंक्शन पर तैनात सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण परिसर में जहां तहां गंदगी फैली है, इस कारण से यहां फंसे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।